वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज आपणे जोवाना छे साची हजनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जोता पहेला आपणे जोईशुं शब्द समजूती। हज, हजनो अर्थ थाय छे मुसलमानो द्वारा थती मक्कानी पवित्र यात्रा। फरिश्तो, तेनो अर्थ थाय छे देवदूत। आश्चर्य, तेनो अर्थ थाय छे नवाई। दमास्कस, एनो अर्थ थाय छे सीरिया देशनुं एक शहर, तेनुं नाम छे दमास्क। हाजी, हज करी आवनार व्यक्ति। आ थी शब्द समझूती। हवे आपणे जोईशुं रूढ़ी प्रयोगो। मन मारीने बेसी रहेवू, एटले के मननी इच्छाने दबावी राखवी। बीजू छे रस्तो न देखो, एटले के कोई उकेल न मळवो। रस्तो न देखावो, एनो अर्थ थाय छे कोई उकेल न मळवो। आंखमां जड़जड़िया आववा, तेनो अर्थ थाय छे आंखमां आंसू आववा। बराबर, आ थई शब्द समझूती अने रूढ़ी प्रयोग। हवे आपणे स्वाध्याय तरफ आगळ वधीशुं। स्वाध्यायनी अंदर आपेला छे पांच प्रश्नो, जेना उत्तर आपणे नोटबुकनी अंदर जोईशुं। प्रश्न नंबर एक छे, नीचेना प्रश्नोना उत्तर एक एक वाक्यमां लखो। तेना अंदर छे प्रश्न नंबर एक, शेख अब्दुल्ला ने हज करवानी इच्छा क्यारे थई आवती। शेख अब्दुल्ला ने क्यारे हज करवानी इच्छा थई आवती, कोने जोतो त्यारे एने हज करवानी इच्छा थई आवती। हाँ, हज करवा माटे जता लोकोने जोतो त्यारे। तो उत्तर में आपणे लखीशुं, दर वर्षे हज पर अनेक लोको जता त्यारे शेख अब्दुल्ला ने हज करवानी इच्छा थई आवती। हज पर जता लोकोने जोईने हज करवानी इच्छा थई आवती। हवे जोईशुं प्रश्न नंबर बे, शेख अब्दुल्ला हज करवा शा माटे न जई शक्या। ए शा माटे हज करवा न जई शकता? तो उत्तर आवशे, शेख अब्दुल्ला गरीबी ने कारणे हज करवा न जई शक्या। ते गरीब हता एटले हज करवा जवाना पैसा भेगा करी शकता नहीं हता, एटले हज करवा नहीं गया। प्रश्न नंबर त्रण, अली हुसेन ना पड़ोस में बाड़को शा माटे रोककड़ करता हता। एनी पड़ोस में, अली हुसेन ना पड़ोस में एक दिवस एने बाड़को ना रोवानो अवाज आवेलो हतो ने, तो शा माटे रड़ता हता? कारण के तेमना घरनी अंदर ए लोकोने कमाईने खावा आपनार जेवू कोई वधेलो हतू नहीं, अने बाड़को केटला दिवसथी खाधु हतू नहीं। तो उत्तर आवशे, अली हुसेन ना पड़ोस में बाड़को रोककड़ करता हता कारण के केटलाय दिवसथी तेमने खावानुं मळ्युं न हतुं। केम रोककड़ करता हता? कारण के बाळकोए केटला दिवसथी कंई खाधुं हतुं नहीं। प्रश्न नंबर चार, खुदाना दरबारमां अली हुसेननी ज हज केम मंजूर थई? बे फरिश्તાએ વાત કરી હતી ને કે માત્ર અલી હુસેનની જ હજ મંજૂર થઈ છે, તો કેમ એ લોકોની જ હજ કેમ મંજૂર થઈ? તો અલી હુસેને હજ માટે ભેગા કરેલા પૈસા પડોશીના દુખી બાળકોને મદદ કરવા માટે વાપર્યા, તેથી તેમની હજ મંજૂર થઈ। કેમ એમની હજ મંજૂર થઈ? કારણ કે તેમને હજ માટેના પૈસા આ દુખી બાળકોને આપી દીધા, માટે ખુદાએ તેમની હજ મંજૂર કરી લીધી। હવે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર પાંચ, અલી હુસેને હજ કરવા માટે ભેગા કરેલા પૈસાનું શું કર્યું? એને એના ભેગા કરેલા પૈસાનું શું કર્યું હતું? અલી હુસેને બાળકોને રડતા જોઈને આપી દીધા હતા। બરાબર, તો ઉત્તરમાં લખીશું, અલી હુસેને હજ કરવા ભેગા કરેલા પૈસા પોતાના પડોશીના દુખી બાળકો માટે આપી દીધા। શું કર્યું? દુખી બાળકોને પોતાના હજના પૈસા આપી દીધા। હવે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર બે, ચિત્રો જોઈને દરેક વિશે બે બે વાક્યો લખો। અહીં ચાર ચિત્ર આપવામાં આવેલા છે, જેના અંદર દરેક ધર્મનું ચિહ્ન અને દરેક ધર્મનું ધર્મસ્થાન આપેલ છે, તો તેના વિશે બે બે વાક્ય આપણે પુસ્તકની અંદર જ લખવાના છે। બરાબર, તો ચલો જોઈશું। હિન્દુ ધર્મનું પૂજા સ્થાન મંદિર છે, જે પ્રથમ ચિત્ર આપેલું છે એના વિશે પહેલા આપણે લખીશું કે હિન્દુ ધર્મનું પૂજા સ્થાન મંદિર છે। અને બીજું વાક્ય લખીશું પહેલા ચિત્રનું, હિન્દુ ધર્મનું પ્રતીક ઓમ છે। શું લખીશું આનું બીજું વાક્ય?
हिंदू धर्म नु प्रतीक ओम छे। हवे बीजा नंबर नु चित्र जोईशु अने तेना विशे बे वाक्य लखीशु। शीख धर्म नु धर्म स्थान गुरुद्वारा छे। आ शू छे? गुरुद्वारा नु चित्र। तो शीख धर्म नु धर्म स्थान गुरुद्वारा छे। बीजु वाक्य छे, शीख धर्म नु प्रतीक अहीं दर्शावेलू छे ते रीतनु छे। शीख धर्म नु धर्म प्रतीक आ छे। ए थयुं एनु बीजु वाक्य। हवे जोईशु आपणे नंबर 3 नंबर नु चित्र। तो 3 नंबर ना चित्र नी अंदर आपणे एना विशे बे वाक्य लखीशु। इस्लाम धर्म नु पूजा स्थान मस्जिद छे। आ चित्र विशे आपणे बे वाक्य मां लखीशु कि इस्लाम धर्म नु पूजा स्थान मस्जिद छे। इस्लाम धर्म नु प्रतीक चंद्र अने उपर एक तारो छे। चित्र मां आपेल छे ए प्रमाणे। पछी चौथो चित्र जोईशु अने एना विशे बे वाक्य लखीशु। ख्रिस्ती धर्म नु पूजा स्थान चर्च छे। आ वाक्य विशे, आ चित्र विशे, ख्रिस्ती धर्म नु पूजा स्थान चर्च छे। ख्रिस्ती धर्म नु प्रतीक क्रॉस छे। क्रॉस नी साइन ए ख्रिस्ती धर्म नु चित्र मां दर्शाव्या प्रमाणे नु साइन प्रतीक छे। बराबर। तो आपणे अहीं आज प्रश्न नंबर 1 2 रूढ़ी प्रयोग अने मुहावरा आजे आपणे जोया। नेक्स्ट विडियो नी अंदर आपणे एक्सरसाइज मां आगळ वधीशुं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।